हाँ तो भाई, हम जो काम करे वो खुले आम करे। देखे ना, कल टेलीग्राम पे वादा किया था ना कि सिर्फ एक टीम दूंगा, कबार के रख देगा, हिला के रख देगा, रख दिया हिला के। ठीक है, मोहम्मद शमी, राशिद खान दो ही बॉलर लिया, दोनों तीन तीन विकेट। मगर हाँ, एक थोड़ा सा मैंने रिस्की प्लेयर लिया, किसको? मुकेश कुमार को। अब देखते हैं, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गया है और साहा और ये गिल तो मतलब धमाल ही मचा रहे। उधर डेविड वार्नर धमाल मचा ही दिया, ये सब अपनी टीम में थे ही, अक्षर पटेल था ही टीम में। यार मन खुश हो गया, अब तो हार्दिक पांड्या में थोड़ा शक है बस। ठीक है, देखते हैं आखिर क्या होता है। हम तो वीडियो लगे बनाने, बाकी आप देखते रहिए क्या हो रहा है। आप भी तो मतलब नहीं देख पाएंगे जब तक हम वीडियो अपलोड करते, तब तक यार मैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, मगर हाँ, टीम अच्छी बनी हो, इसी टाइप की टीम हमेशा बननी चाहिए दोस्तों। आइए, हम तो पूरा मेहनत करके टीम लाए हैं यहाँ पर, ये वीडियो लाए हैं। अब आपका मैं देखता हूँ कि कितना इसमें आप ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा पहले मरकरवा ले लेते हैं। ठीक ना, ये हमारा मरकरवा, और ये देखा, ये मरकरवा हमारा। ठीक है, ये जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे मजा नहीं आता है ना। ऐसे करेंगे यहाँ पर, आप देखिए ये वाला, ये कुछ मतलब अंदाज ही अलग होता है यार, फीलिंग। अब दोस्तों एक चीज बताइएगा, ये सर थोड़ा सा चेंज करके, एक भाई का मतलब रिक्वेस्ट आया था यार, रिक्वेस्ट का ऑर्डर ही समझ लीजिए उनका, कि भाई आप खाली व्हाइट व्हाइट बनाते हैं वीडियो, मजा नहीं आता, थोड़ा सा चेंज करके आइए। हमने ये शर्ट अपना भाई का पहन उनका आया, हालांकि मेरे को जचता भाई व्हाइट, क्योंकि नीचे ब्लैक पैंट हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, ब्लैक ही जचता है पैंट में, व्हाइट शर्ट बहुत सारे पड़े हुए, सिर्फ मेरे व्हाइट शर्ट ही है। ठीक है, और गॉगल्स ब्लैक, जब झाड़ के निकलते हैं ना घर से तो कुछ लगता है कि हाँ है कोई, इसलिए मेरे को व्हाइट पसंद है बस। हालांकि वीडियो के लिए अब जब आपका रिक्वेस्ट है तो आ गए, मगर कमेंट करके बताइए भाई कैसा दिख रहा है। ठीक ना, पहली बार ऐसा मतलब कपड़ा पहना, मेरे कुछ अजीब टाइप के अंदर से हो रहा है, मगर क्या कर सकते हैं भाई, जब हम सबको पसंद यही है तो भाई लोग आ गए। मगर बताइएगा ऐसा कैसा लग रहा है, व्हाइट सही है कि ये भी ऐसा मतलब कि अलग अलग कलर का कपड़ा चलेगा? ठीक है, जरूर बताइए, क्योंकि भाई मैं पूछ रहा हूँ ये चीज आपसे, और ये मैं पूछ रहा हूँ क्यों, मैं ही जान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को अंदर से अजीब लग रहा है ना, क्या ही बताया। चलिए भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग के बीच दोस्तों ये मैच होने वाला है। ठीक है, मैच नंबर कितना है जल्दी बताइए, कितना है? आठ है। अरे फट से पहले एक लाइक कर लीजिए भैया, इसको बोलते हैं बोहनी बटा। अगर हमारा बोहनी बटा सही नहीं हुआ ना तो तोरा ना सही हुई, ये जान लेता हूँ, चाहे कितना मेहनत कर लो टीम भाई, क्योंकि हम हमें मेहनत करके आए लें। ठीक है, हमारे पास दोनों भाषा मौजूद है, ये मत सोचिए कि भैया हम खाली बिहारी है, बिहारी बोलते हैं यूपी वाले बोलते हैं, क्योंकि बिहार में पैदा हुए हैं और यूपी में रह रहे हैं। ठीक है ना भैया, तो दोनों पता हमको भी। ओके, तो ये आठवां मैच है यहाँ पर, बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी, 5 अप्रैल 7:30 बजे वही टाइम पे मैच खेला जाए। ठीक ना, चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला नंबर आता है, यस, लगा टॉपिक कवर, कौन कौन टॉपिक कवर का है, मजा लेके बताऊंगा, समझ में आएगा। ठीक ना, ऐसे सीरियस होकर बताएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, आएगा बस किताबी ज्ञान पहले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो है एक्चुअल में जो उनके रिकॉर्ड्स है मैं आपके समय लाया हूँ, आपका यहाँ पर फर्ज बनता है कि इसको बढ़िया से देखें और उसी हिसाब से टीम बनाए, अगर तो हवा में बनाना है तो कोई मतलब नहीं देखने का इसका। ठीक है, मगर हवा में हवे रहता है, हम तो इतना ही जानते हैं कि कोशिश करने वाला इंसान, हर एक कोशिश अगर उसका फेल हो रहा है तो हर एक फेलियर के बाद वो एक चीज सीखता चला जा रहा है, मगर मेहनत करके आ रहा था, ये नहीं कोशिश ऐसी हवा में कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जब जब फेल हो रहे हैं तब एक एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ऐसे होने से ऐसे हो रहा है, ऐसे होने से ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये चीज पसंद आता है मेरे को, हाँ भाई कोशिश कम से कम कर रहा है बंदा मेहनत करके, ठीक है आगे जा रहा हो, एक एक सीढ़ी चढ़ता हो, ना कोशिश करने वाला कुछ नहीं चढ़ता, वो तो बस बना रहा है, उसको पता नहीं है साला कि प्लेयर बैटल क्या होता है, पिच रिपोर्ट क्या होता है, बस रगड़ दे इधर का, तो मतलब ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला में आएगा पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है, एवरी प्लेयर स्टेटस दिखाई देगा, चौथे नंबर पे आपको प्लेयर बैटल दिखाई देगा, प्लेयर बैटल में जानते हैं ना क्या होता है ना, मतलब कौन किसको आउट करने वाला, कल के हिसाब से बताते ना कि वो उसको लेंगे तो वो आउट करेगा, समी उसको आउट करेगा तो राशिद उसको आउट करेगा, कर रहा है ना, वही होता है पहले प्लेयर बैटल। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप टीम बनाएंगे ना कि भाई राशिद यहाँ से चला है तो यहाँ पर इस खिलाड़ी को हम नहीं रखेंगे, यहाँ से जब राशिद चल रहा है तो यहाँ पर हम इसको नहीं रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे हम, कि राशिद यहाँ से यहाँ चल जाए यहाँ ना आए, इसको बोलते हैं प्लेयर बैटल। ठीक है, ये सब समझाने का तरीका है। ओके, पांचवा नंबर की अगर बात करें तो प्लेयर परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा इसमें, और छठे नंबर पर GLP, सातवें नंबर बेस्ट GL & SL टीम भी देंगे इसी में, आठवें नंबर पर कौन है पता है, हम खुद यहाँ खड़ा आठवें नंबर पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, ये कुछ सीन देख सकते हैं, खतरनाक वाला, मजा आता है देख करके, इसे लगवा लेते हैं इसमें। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर अब क्या है, ज्वाइन टेलीग्राम बिल्कुल फ्री सेवा है, इस पर कोई पैसा कौड़ी कहीं नहीं देना, बहुत सारे लोग अब तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लगे भैया पैसा मांग रहे थे, हमारे ना रहे ना पैसा बिल्कुल ना देना, कहा है किसी को ना दिए पैसा, भैया देंगे तो भैया आप लूटे जाएंगे, हम साफ बोल रहे हैं, जो नए लोग हैं यहाँ मोर पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे ना, जो है ना डिस्क्रिप्शन खुलता है वहां मोर पे ना, उस पर क्लिक करेंगे, ये तीन आपको दिखाई देगा लिंक, इस पर खट खट खट, तीनों में से किसी पे आप
क्लिक खाली करिए बस। उसके बाद क्या आएगा, यहां देखिए ज्वाइन का बटन आएगा, इस पर बस ज्वाइन हो जाइए और फ्री में धाकड़ धाकड़ टीम यहाँ इस टेलीग्राम पर लेकर के जाइए। कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूं। अब पूरा आईपीएल अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर तैयार रहिए, मगर हाँ कोई भी किसी को एक रुपया नहीं देगा, और अगर देगा एक रुपया तो हम कड़े शब्दों में बोल रहा हूं यहां पर मैं, सबसे बड़ा बेवकूफ दुनिया का कौन होगा, वही होगा जो देगा एक रुपया किसी को टीम के नाम पर। बाकी और सीखने पर नाम पे आप देते हो किसी को, क्योंकि सीखना भाई टीचर एक सिखाता है उसको भी आप दे सकते हो सीखने पर, ठीक है। मगर जो टीम बना के सिर्फ दे रहे हैं उससे कोई मतलब है, ठीक है। हम तो बोलते हैं सीखने के नाम पे भी देने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े मिल जाएंगे, हम हो गए और सारे मेरे सारे मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, सबका देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। सीखने में सबसे बड़ा सीखने वाला इंसान कौन होता है, जो अपने से करके सीखा होता है, जो गड्ढा में गिरता है ना वो जब निकलता है तो उसको सही से पता होता है कब कैसे गिरे और कैसे निकले। अगर हम गिर के बताएंगे ना कि ऐसे गिरे ऐसे निकले, उतना नहीं बुझाएगा, एकदम गिरा देंगे धकेल के ना उसी में ना, और जब निकल जाएंगे ना तब समझ में आ जाएगी हाँ ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो वह चीज होना चाहिए, अपने से सीखना सबसे अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा, ओके। ओहो ये देखिए, ये देखिए बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी पिच एनालिसिस करते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर देखिए पिच का होता पता है ना, ये पिच है, ये वाला पिच है, यहीं पर बॉल फेंकता है, यहां से टुक 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 उड़ जाता है, आइए तो पूरा ग्राउंड, ठीक है, स्टेडियम जिसको बोलते हैं। तो एवरेज पिच स्कोर जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपको 160 से 180 बनते दिखाई देने वाला, आपके हिसाब से कितना बनेगा कौन बताएगा, है किसी में दम, दम है तो नीचे कमेंट बॉक्स खोलिए बताइए वहां पर कि कितना रन बन सकता है। मेरे में दम है हम बता रहे हैं 160 से 180 बनेगा, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से बताइए, ओके। चलिए अगला बात करें हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो 237 यहां पर बनता है, हाईएस्ट गया है बस, ज्यादा कुख पद के मारा बैट्समैन लोग तो 237 रन मार पाया T20 में, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट स्कोर क्या है, 118, क्या बात है T20 में 118 लोवेस्ट भी है, इसका मतलब रन बनता है, मैं यहीं से बोल दे रहा हूं, आगे जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं से बता रहा हूं मैं, रन यहां पर बनेगा। पिच सुटेबल फॉर बैलेंस पिच यहां पर रहता है दोस्तों, रन भी बन सकते हैं और विकेट भी गिर सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट यहां पर 237 गया है और लोवेस्ट में 118 गया, मतलब दोनों काम होगा साथ में आपका। अब मेरे हिसाब से यहां पर 160 से 180 बनते दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, पता ना आप कितना कमेंट के देख लेंगे वीडियो बना करके जब उठेंगे ना तो देख लेंगे हम, ठीक है। ओके, वेन्यू T20 की बात करें, टोटल मैचेस 2 है और फर्स्ट बैटिंग वन 1 है, 2 इन बैटिंग वन 1 है। देखो भाई इतना कॉन्फिडेंस में क्यों आता हूं, क्योंकि जीत के आता हूं, अब वही कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर भी लाना चाहता हूं, ठीक है। कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं, हिम्मत, वो चीज मैं लाता हूं, ठीक है। मेरा वीडियो देखने वाला बोलता है कि भाई कितना भी हार के आता आपके वीडियो देखता तो दिल खुश रहता, पूरा भूल जाता हूं साले गम, वो चीज मैं करके लेके आता भाई, एक एक वीडियो में हर तरह का फायदा लेके आता, एक तो गम भुला देता हूं कम से कम, प्लस में ये स्टेटस भी साथ में लेकर के आता हूं, ठीक है, और कुछ चीजें भी सिखाता हूं जो मैं सीखा हूं दुनिया में रह करके भाई, ठीक है, अपनी उम्र में। इसमें स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर डाले तो वेलो स्कोर 150 से एक बार बना दोस्तों, 150 नीचे जो है कि एक बार सिर्फ बना। बिटवीन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 150 से 169 जीरो है, और बिटवीन 170 से 189 भी जीरो है, एबव 190 से ऊपर एक बार सिर्फ बना ऊपर में, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम, मतलब यहाँ पर लगता है पिच पे बैटिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत यहाँ पर डिटेल्स तो दिखाई नहीं है उस टाइप का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, ये देखिए पीछे का है, ठीक है, 2017 और 23 का, इसके बीच में जो अगर मैच हुआ रहेगा तभी तो उसे कम मिल पाएगा ना। एक भाई कमेंट किया भाई आप 2017-19 का क्या बता रहे भाई, अरे भैया 2023 में मैच हुआ होगा तभी ना बताएंगे, ऐसे ही अपने मन ने लिख के लिया कि ये हो गया वो हो गया, नहीं हो सकता, ठीक है, जो है वो बता रहे, ठीक है। इंडिया 237 3 विकेट 20 ओवर में, ठीक ना। उसके बाद साउथ अफ्रीका 221 3 विकेट 20 ओवर में, हालांकि विकेट तीन तीन गिरा दोनों में मगर रन नहीं बना पाया, 221 तक पहुंच गया था फिर भी, ये भी ठीक है। फर्स्ट में प्रेशर कितना, 0, स्पिनर 2 ले गया, 2 ने प्रेशर 2 ले गया, स्पिनर 1 लेकर के गया दोस्तों, ठीक है। एक और मैच का देख लीजिए, इंडिया 118 10 विकेट खो करके 20 ओवर में, ऑस्ट्रेलिया 122 2 विकेट खो करके 15.3 ओवर में, फर्स्ट प्रेशर में 7, स्पिनर 2 और 2 ने प्रेशर में 2 और स्पिनर 0 लेकर के गया है, मतलब क्या समझ में आया, हम बता देना कि लो भी है हाई भी है, यहां पर विकेट भी मिलेगा रन भी बनेगा, तो आपको क्या करना भैया, मल्टीपल टीम बना ले, सबसे अच्छा एक नंबर का एक मल्टीपल बनाओ, एक लोएस्ट बनाओ, मतलब मल्टीपल में मतलब अलग अलग कर सकते हो उसको, ठीक है। मल्टीपल का मतलब ये है, एक आप बैलेंस बना लो, एक हाईएस्ट ऊपर के तरफ ले लेके चलो, कुछ बैटर भाई मार रहे हैं यहाँ पर, एक बॉलर के लेके चलो, एक नंबर का, तीन में मेरे हिसाब से टीम
इनफ रहेगा इसके लिए, एक नंबर का टीम रहेगा तीन तो ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो मतलब देखने के लायक ही नहीं अभी हेड टू हेड, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अपना। यहाँ पर देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11, अब हेड टू हेड का दिखा रहे वो देख लीजिए ना, बोलेंगे भैया नहीं देखिए यहाँ पर मेरा रिटर्न जो क्या किया ना दिल्ली और गुजरात लिख करके दे दिया, ठीक है। अब स्टेटस भी मेरे हिसाब से पता सही है कि गलत, हम देखे भी नहीं इसके बारे में ओके ना, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ हेड टू हेड, उतना मैटर नहीं करता हेड टू हेड, ठीक है, और फिर भी करता है, ऐसा नहीं है, जानना जरूरी है कि भाई अगला दुश्मन कितना बढ़िया है और कितना कमजोर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको बता रहे हैं, इसमें हम संजू सैमसन आपको कैप्टनसी करते दिखाई देंगे और जोश बटलर कीपर रहेंगे, ठीक है। बटलर हिल हिल के ऐसे ऐसे कैसे हिलाइप करते हैं, हिला करके मारने वाला बटलर, ठीक है। तो आइए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जोश बटलर सबसे पहले नंबर पे आते भाई, जोश बटलर आरएसबी बैट्समैन है, ठीक है, मतलब राइट हैंड बैटर, मतलब ये हाथ से ऐसे खेलने वाला, ठीक है। एक लोग कमेंट मेरे से पूछे थे, हालांकि पूछे जरूरी है, जो ना समझ में जरूर पूछे, अच्छा लगा, ठीक है। राइट हैंड बैटर इसको बोलते हैं, अगर एलएचबी बोले तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है। एलएचबी मतलब इसे इधर से मारने वाला, इससे लेफ्ट, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम भी नहीं जानते, राइट में दाया बाया कौन, हम खुद ही कंफ्यूज आ जाते हैं राइट और लेफ्ट पता है बस, ठीक है। आईपीएल मैच सीजन, ठीक है, एक मैच खेला है 54 रन है, एवरेज भी 54 है, हेड टू हेड में कितना ये मैच है 11 रन 416 है और एवरेज 41.60 का रहा है। वेन्यू की बात करें, अच्छा हेड टू हेड में एवरेज अच्छा है, 40-41 का एवरेज कम नहीं होता है T20 में, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो मैच 4 हुआ, रन 28 और एवरेज 9.33 का रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस 54-40, 4-67। देखिए वेन्यू बोल रहा है कि ये अच्छा नहीं है, मगर हेड टू हेड बोल रहा है कि अच्छा है, क्या कहना चाहते हैं आप, तो लेके चलना चाहते हैं हम जीएल में, ठीक है। एक टीम में हम इनको जगह देंगे क्योंकि बटलर बटलर है भाई, ओके। यहाँ पर वेन्यू जरूर कह रहा है, नहीं तो मेरे को हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ पता नहीं है भाई वेन्यू के बारे में उतना, ओके। वेन्यू उतना वेरिएबल मतलब ये जो है ना, इसका बटलर का जो रिकॉर्ड अच्छा है भाई, इसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं इनको लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर अगर बात करें जायसवाल जी की, देखिए एक मैच है 54 रन है, 54 एवरेज है, हेड टू हेड में दो मैच है 117 रन है, 58.50 का एवरेज स्कोर है दोस्तों। हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस में 54-27, 12-13, 45, मतलब यहाँ बीच में खोखला गया है, यहाँ पर 45 और 45 गया है। हालांकि यहाँ पर 27 और 12 भी 13 भी T20 में कुछ रन होते हैं, नहीं तो अच्छा अच्छा बैट्समैन तो यार 0-4, 4 रन पे, 5 रन पे आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो चाहे तो आप जीएल के लिए इनको भी रख सकते हैं, अभी डिफरेंशियल रखे, ठीक है, कोई अगर ना मिले तब के लिए, ओके। चलिए आगे बात करें संजू सैमसन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरएसबी बैट्समैन ये भी है, एक मैच है डिसीजन और 55 रन है, 55 का एवरेज भी है, हेड टू हेड में 19 रन है, 658 रन है, एवरेज है 41 का एवरेज, ठीक है। ये भी बैट्समैन, ठीक है, इनको जीएल के लिए पिकअप कर सकते हैं। वेन्यू पे भाई कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है तो 55-5, 59-4, 61, ठीक है। एक चले एक नहीं चले, एक चले एक नहीं चले, एक चले हैं, हालांकि नहीं चलने का उम्मीद यहाँ पर इस हिसाब से दिखाई दे रहा, जो मतलब सिक्वेंस चल रहा है, मैं कोई भरोसा नहीं, सिक्वेंस अलग भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इनको जीएल के लिए लेकर के चलेंगे क्योंकि 41 का एवरेज ठीक ठाक एवरेज होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देवदूत की अगर बात करें, देखिए एक मैच है 2 रन है, 2 एवरेज है, हेड टू हेड में 5 मैच खेले हैं, 97 रन है, 19.40 का एवरेज स्कोर है, यहाँ पर वेन्यू पे कुछ भी नहीं है और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है तो 2-28, 22-09, मजा नहीं है यार, मजा नहीं है यार, मजा नहीं है यार, जहां मजा नहीं होता हम खुद नहीं उसको बात करते हैं, ठीक है। आगे चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिमरन की बात करें तो एक मैच है 22 नबाद है, 0 एवरेज, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हेड टू हेड है भाई 4 मैच है, 64 रन है, 32 एवरेज है, और वेन्यू पे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। रिसेंट परफॉर्मेंस 22 नबाद 15-37, 10 और 23 है दोस्तों, ठीक है। सर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मजा नहीं, छोड़ो हटाओ इसको भी जान दो, क्योंकि यार हेड टू हेड तो ठीक है यार, 4 मैच में 64, 32 एवरेज, चलो देखते हैं इसको भी डिफरेंशियल रखते हैं, ठीक है। अगर इससे अच्छा कोई मिलता है तो क्यों रखेंगे हम, ओके। चलिए यहाँ पर रियान की बात करें तो एक मैच है 7 रन है, 7 एवरेज है, हेड टू हेड में 5 मैच है, रन 29 है, 9.5 का एवरेज है, वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 7-55, 2 पे 2, 49 पे 1 और 52 पे 1 है। भाई 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 एवरेज तो इनका हेड टू हेड में खराब है, ठीक है, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस जो है ना थोड़ा सा वेरी कर रहा है मेरे को, मतलब कि बोल रहा है तू लेके चल, ऐसे बोल रहा है, क्या करें हम लेके चले, चलो भाई हम तो लेके चलने वाले हैं जीएल में इनको भाई। ये कहा तो रिस्की भी होना चाहिए, अगर इसका मेरे को स्टेटस दिखाई दे रहा है इधर में कि हाँ इधर 3 मैच में अच्छा है, 4th मैच में भी अच्छा है, 75 रन है 7 में, ठीक है, तो यहाँ पर लेकर के हम चलेंगे, क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग नहीं भी लेकर चल सकते हैं क्योंकि भाई हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है इनका, ठीक है, मगर हम लेकर चलेंगे, ओके। अब यहाँ पर जैसन होल्डर की बात करें तो आरएचबी और आरएफएम दोनों है, ठीक है। आरएफएम मतलब जानते हैं ना, राइट आर्म फास्ट मीडियम, फास्ट मीडियम मतलब पूरा फास्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा मीडियम है,
नहीं कि पूरा तुम उड़ा के चल रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक मैच है, रन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, विकेट है एक। हेड टू हेड में चार मैच खेले हैं, 75 रन है, 5 विकेट भी साथ में लेके गए हैं भैया। यहाँ वेन्यू की बात करें तो कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 1 विकेट 13 पे 1 है, 1 विकेट 28 नबाद, ठीक है, उसमें 0 विकेट था और 7 पे 0 है दोस्तों। देखिए जैसन होल्डर को भी हम जीएल में पिक करेंगे, क्योंकि ये सब रिस्क वाले खिलाड़ी थोड़ा होते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग इन लोग को लेके जाना भी चाहते हैं, हम लोग लेके चलेंगे इसको, ठीक है, चल जाए ना चल जाए तो बात की बात होती है, मगर रिकॉर्ड के हिसाब से इधर में ठीक है, कुछ रन भी दे देंगे, कुछ विकेट भी मिल जाएगा। अगर 20 रन भी देते हैं, 1 विकेट दे देते, अच्छा खासा 45 पॉइंट अपना बन जाना है, ठीक है, इसलिए हम लेके चलेंगे। रवि अश्विन की बात करें तो 1 मैच है 1 विकेट है और 1 रन 1 विकेट भी है यहाँ पर। हेड टू हेड में 20 मैच खेले, 46 रन है और 20 विकेट है। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। भाई अश्विन कभी धोनी के जमाने में चमकता थे, है ना, चमकता सितारा, मैं अभी वो चमक बेचारे में ना रह गया, मैं फिर भी ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, तो डिफरेंशियल हम इनको रख सकते हैं अभी, ठीक ना, अभी के लिए रखे हैं, बाकी देखते हैं कौन मिलता है एक्स्ट्रा। ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना कर लिखते जाइएगा कि हाँ ये को मैं बता रहा हूँ रखने के लिए, और ये डिफरेंशियल है, इसके जगह पे इसको लेकर के आना है, एक्सचेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, और नहीं समझ में आया तो हम है लास्ट में यहाँ टीम दिखाएंगे, बाकी जो अपडेट होती है ना वो टेलीग्राम पे कर देंगे, ठीक है, टॉस वॉस जो माता पे सब टेलीग्राम पे, मगर फ्री वाला, पैसा के नाम पे नहीं भैया, अगर ज्वाइन होना तो फ्री में ज्वाइन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, बस और कहीं से मत ज्वाइन हो जाएगा, नहीं तो चले जाएंगे दूसरा पे, वो बोलेगा भैया पैसा नहीं। और टीम की बात रही तो टीम में जिस मैच को कवर करता हूँ आज तक रिकॉर्ड रहा है कि उस मैच का मैं टीम देता हूँ बस, बाकी सारे मैचों का टीम में नहीं देता और ना ही मैं सारे मैच खेलता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, जिस मैच के बारे में हम जानते हैं समझते हैं उसी को खेलेंगे, बाकी पिक्चर वाला काम नहीं है, बस सब मन तब क्लिक 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 करके उठा के लगा दिए, दूसरे को दे दिए, अरे हमारा क्या है, ये हमारे से और लोगों क्या वीडियो बनाता है पैसा उसका आता है, ठीक है, मगर आप लोग का पैसा नहीं आता, वो चीज़ हम समझते हैं, इसीलिए सब नहीं देते हैं, जो हम खेलते हैं, जो हमारे पास टेस्ट रहता है, जो समझते हैं हम कहाँ सही है इस चीज़ के बारे में उसका देते हैं, अब बाकी ऊपर वाले पर थोड़ा सा छोड़ दे भाई, जो होगा देखा जाए, क्या कर सकते हैं, ऊपर तो नहीं भगवान नहीं ना भाई कि हम जो 11 सेलेक्ट कर रहे हैं भाई चलेगा आज हट लिख दिए तो लिख दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हाँ अपने से पूरा कोशिश करते हैं, ये सब देख करके आपके लिए टीम हम बनाते हैं, जो बात देखिए फैक्ट वाली सामने बात करते हैं, जो है सो है। अब आपका अगर मन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर बातों के लिए, और नहीं तो वही गुमराही वाला काम करना था, बहुत सारे चैनल पड़े हुए भाई गुमराह करते रहेंगे, बस लगे रहिए उसी में हम, ठीक है, ज़्यादा मैच खेलो कोई मतलब नहीं है भाई, एक ही मैच खेलो, मन से खेलो, पूरा दिन भर में स्टेट्स निकालो, अच्छा है, हाय हाय करने से जीएल नहीं जिए जी जाएंगे आप, ठीक ना, लालच बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बेकार चीज़ है वो, उसके चक्कर में कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसलिए नहीं करना है, लालच नहीं करना है, एक मैच का स्टेट्स अच्छे से देखिए, इंतजार किए, टेलीग्राम पर टीम देंगे, और हम तो कोई बोलते हैं कि भाई कोशिश करिए कि अपने से टीम बने, हमारा टीम को सिर्फ देखिए आप उससे कैसे कैसे क्या बना हुआ है, बाकी अभी जो बता रहा हूँ उसको आप पिक करिए, ये सब चीज़ें होती हैं, अब बोलेंगे नहीं ऐसे वैसे, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए बोलने पर ही बोल सकते हैं, ठीक है, अब बाकी हम आगे नहीं आपको कुछ कर पाएंगे भाई, आपकी मर्जी 100-100 खेलिए क्या करेंगे, मगर हम तो एक ही दे पाएंगे ना, क्योंकि मेरा सिद्धांत है एक ही देना, ठीक है, 2 अगर हम वीडियो कवर करेंगे, 2 हमारे पास रहेगा स्टेटस पूरा तो 2 भी देंगे किसी दिन, ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पर 2 विकेट भी लिए 1 मैच में ये, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट इकोनॉमी क्या है, 5.25 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 11 मैच है, विकेट है 8 और इकोनॉमी 9.47 का इकोनॉमी रहा है, और वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट का दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग बता देना कि यहाँ पर कैसे कैसे विकेट गिरता है, तो फास्टर कितना विकेट गिरा था नहीं बताइए, तो जल्दी कमेंट करो जल्दी जल्दी, कितना विकेट था फास्टर को उसने, 2 हम कंपेयर करके दिखाए थे ना, कितना ध्यान से देखा, अब ये समझ में आ जाएगा, अब वही नहीं समझ में आ जाए, कितना बताओ बतावा जल्दी, नहीं ना, चलो जो लोग लिखे भाई उसके लिए सही है, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना विकेट क्या क्या गिरा है, ठीक ना, याद रखिए इस चीज को रखना याद है, तो फास्टर बहुत जरूरी है, इसलिए इनको हम जीएल में ट्राई करें, क्योंकि फास्टर का विकेट सबसे अधिक गिरा हुआ था, ठीक ना, वही गिराया था विकेट। अब किम आसिफ का, केएम आसिफ का अगर बात करें तो 1 मैच है 0 विकेट है 5 इकोनॉमी है हालांकि ठीक है 5 तक ठीक है, ज्यादा नहीं है। हेड टू हेड में क्या है, तो भाई कुछ भी नहीं है हेड टू हेड में। वेन्यू की बात करें तो कुछ भी नहीं है वेन्यू पर, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस की तो 0 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। भाई 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 यहाँ चल रहा है, यहाँ कहाँ चलता है, 3 वाला पे देखिए 3 3 2 बार 3 है, बाकी 1 1 2 बार है, 1 बार खाली भी गए, बिल्कुल जो खाली जाता है हम उसको भरते हैं, लेके चलेंगे इसको, ठीक है जी।
क्योंकि ये खाली है, खाली वालों को बहुत लोग खाली करते हैं, हम लेके चलेंगे तो जी गल है, ठीक है, ये जीताएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जरूरी है ऐसा चीजों को लेकर चलना। जो प्लेयर फ्लॉप हो रहा है उसको एक बार अपने टीम में जरूर मौका दीजिएगा। युजवेंद्र चहल, ठीक है, LB, ओके। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मैच है, एक विकेट है, चार इकोन में 4.25 के, 5 से भी नीचे इकोन में, यार बॉलर हेड टू हेड में 17 मैच है, 28 विकेट लिए हैं, 7.82 का इकोनॉमी है, मतलब हेड टू हेड में ठोकाई होता है, मगर इधर इकोनॉमी ठीक है भाई, ठीक है, एक मैच में अच्छा दिखा। वेन्यू की बात करें तो कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। चहल को भी लेके चलेंगे क्योंकि कुछ स्पिनर को भी विकेट मिला था, देखे होंगे आप, उसमें दिखाई दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आता नंबर 2, साले को देखिए, क्या ये बेंच प्लेयर, इसमें से हो सकता है जॉय रूट वगैरह कोई भी आ सकता है, क्यों, ये IPL है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर पे बैठ के ऐसे बेंच पे टुकुर टुकुर करते रहते हैं, बट्टा जल्दी हमरो नंबर लगे, कैसे लगे, कोई अगर इंजरी हो गया, कोई कुछ हो गया तब, ठीक है, अगर होता है कोई तो इसमें से भी आ सकता है, नहीं तो कप्तान का मर्जी, सैमसंग का मर्जी है, भैया चेंज भी कर सकते हैं सैमसंग, ठीक है। तो ऐसा ये प्लेयर बैठे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए धड़ाक से अभी, ठीक ना। चलिए अब धड़ाक से इसको हम ऐसे करते हैं, ओहो ये तो बहुत कमाल का चीज आ गया, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। प्लेयर बैटल, ठीक ना, सॉरी प्लेयर बैटल नहीं है, इसके बाद आएगा प्लेयर बैटल, ये है स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, कौन करने आ रहा है, ठीक है। डेथ मतलब लास्ट का ओवर, स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट का ओवर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, ट्रेंट बोल्ट स्टार्ट करते आएंगे, KM आसिफ, ठीक है, और जासन होल्डर, ये तीनों मिलकर स्टार्ट करेंगे, मतलब इनका 4-4 ओवर फिक्स है तीनों का, ओके। डेथ कौन करेगा, ट्रेंट बोल्ट, अविजिंदर चहल और जासन होल्डर, अभी का भी 4 ओवर फिक्स हो गया, तो मतलब 4-4 के 16 ओवर यहां पर चारों में डिवाइड हो गया, अब कितना बचा, कितना ओवर का T20 मैच होता है, तनी यो लिखी हम, जल्दी लिख दे ला, हाँ, तो 4-4 के 16 ओवर हो गए, कितना बचा, 4 ओवर, 4 ओवर वही कुछ प्लेयरों में डिवाइड, किसी को एक ओवर, किसी को 2 ओवर, ऐसा करके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यही सब आपको डेथ और लास्ट मतलब स्टार्टिंग डेथ करते नजर आएंगे। ये आगे भैया प्लेयर बैटल, अब इसके हिसाब से टीम बनेगी, टीम बनेगी, किसको छोड़ना किसको लेना ये बताएगा, ठीक है। देखिए जोश बटलर, अब यहाँ पे ए सिंह, 20 बॉल, 21 रन, 1 विकेट, मतलब ये है कि 20 बॉल खिला करके 21 रन देता है ये, मतलब जवान बंदा जो भी समझ लीजिए, और 1 विकेट लेके चला जाता है जोश बटलर का, ठीक है। अब नेथन का बात करें, ठीक है, नेथन इल्स की, तो 7 बॉल, 8 रन, 1 विकेट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भैया समझ में नहीं आता, अब समझा रहे हैं, समझिए बढ़िया से, समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा, इसे थोड़ा समझ में आएगा। अब चहल की बात करें तो 38 बॉल, 68 रन और 2 विकेट, तो सबसे खतरनाक कौन इनके लिए, नेथन एल्स, हालांकि एक ही बार लिया है, अगर दो दो तीन बार और लिया होता तो फिर और भी खतरनाक दिखाई देता, कितना क्या है, हाँ। उसके बाद आता है तो चहल का, 38 बॉल पे हालांकि 68 रन तो दिए हैं, फेंके दबा करके रन, मगर 2 विकेट भी लिए, 2 बार मतलब इनके विकेट ले चुके हैं, ठीक है। अब संजू सैमसन की अगर बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर करण की बात करें तो 15 बॉल पे 20 रन देकर के 2 बार आउट कर दिया करण इनको, ए सिंह 26 बॉल 49 रन देकर 1 बार आउट किए हैं, और चहल 28 बॉल 44 रन पे 1 बार आउट किए हैं, ठीक है। हालांकि चहल रन देते हुए नजर आ रहे हैं मगर आउट भी किए हैं, ठीक है। और यशस्वी की बात करें, जायसवाल के, देख सकते हैं यहाँ पर ए सिंह 5 बॉल 5 रन 1 विकेट, चहर ठीक है 14 बॉल 26 रन 1 विकेट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देख सकते हैं देवदूत की बात करें तो ए सिंह 25 बॉल 36 रन और 2 विकेट दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया, इसको भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं, ले लिए क्या, हाँ ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है यार, ले लिए तो। ओहो ये मेरे दिलों के जान, मेरे को दिलों के धड़कन आ गए रे बाबा, ये क्या है बाबा, बल्लेबाजी, मतलब पैसा छापने का मशीन कह सकते हैं, घर बैठे छापो इसमें पैसा, कैसे छापना बताए, कुछ नहीं करना है, ये देखो 3% का रियल बोनस, मतलब कैशो मिल जा रहा है, डिपॉजिट करो पैसा ना, 100 रुपया से लेकर के 1 लाख तक डिपॉजिट करो, 3% ले जाओ, कड़ाक कड़ाक कड़ाक, ठीक है। उसके बाद 49 रुपया में 5 लाख का लीग, इसको ज्वाइन करना है, डाउट करना है, एकदम फ्री है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए, फट से जाइए डाउनलोड कीजिए, 50 रुपये साथ में खेलने को मिलेगा, आइए 49 रुपया लगाइए, क्या है इसमें, नहीं देख सकते यहाँ पर, ये जो है ना बोनस 100% बोनस यूज, ठीक है, तो मस्त आप लगा के इसमें खेल सकते हो। उसके बाद क्या है, तो सबसे अच्छा काम ये किया है, प्रिडक्टर लेके आया, एक नंबर का सारा
मैच तो चल रहा है ना, 2 घंटा लगेगा देखने में ना, 2 घंटा देखते भी रहते हैं मैच लेकर के, इसी में मैच देखते हैं, इसी में जैसे वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ प्रोडक्टर का ऑप्शन आता है, बस मिनटों मिनट पे ये बॉल पे कितना रन बनेगा, ये बॉल पे विकेट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये खिलाड़ी कितना रन मारेगा या नहीं मारेगा, जो भी है यस चाहे नो यहाँ पर लिखा रहेगा। आप पैसा लगा के उससे कमाते रहिए भाई, अपना ओपिनियन फ्री में क्यों देना, यहाँ पर है ना इसमें कमाइए, देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, ये देखिए दो यहाँ पर जो कि कह सकते हैं यूट्यूबर का टीम भी यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें भी प्रेडिक्ट करके पैसा लगा सकते हैं, ए और बी, यहाँ पर अपना भी आता है, इसलिए डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अपना जब आएगा ना तो यहाँ मेरे पे लगाइएगा, जीत जाइएगा, हमें तो इसी पे लगा दीजिएगा, ये भी जीत सकता है, कोई भरोसा नहीं, टीम की भाई बात है, मगर हाँ ज्यादातर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जीत ही जाऊंगा, अच्छा टीम में बना के डालता हूँ, ये भी सोचता है अच्छा टीम, ठीक, मैं जिसपे आपको भरोसा हो यार, ठीक ना, उस पर आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्टर में आएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ लीग भी देख सकते हैं आप, अगर इसमें जीत जीत के थोड़ा सा अमीर हो रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा भी खेल सकते हैं आप पैसा लगा करके। ठीक है, अब प्रोडक्टर इसी को बोलते हैं, देख सकते हैं पंजाब विल स्कोर 48 और मोर रन इन 6 ओवर इन राज वर्सेस पुणे मैच में। ठीक है, बताइए इसमें क्या होने वाला है, 6 ओवर में बन जाएगा 48 रन, यस या नो, यस लगा दिए 5, 10, 20, 50, नो तो नो लगा दिए, क्या चाहिए इसमें, तो ऐसे लगा के आप इसमें जीत सकते हैं, बहुत सारा दिखाता है दोस्तों इसमें। ठीक है, कई सारे आपको मिलेंगे बॉल विकेट सब के लिए, आप लगा के आराम से जीतो, मजा लो यार जिंदगी का, यार यही मजा है, खट्टे में मजा है। ठीक है, 5, 10, 20, 1 करोड़ की तो बात अलग है, वो तो सलाह आएगा ही आएगा कभी ना कभी, जब मन से काम कर रहे हैं तो भाई, रोज तो नहीं आ सकता 1 करोड़ ना, रोज हम 5, 10, 20 लगा के 1,500, 2,000, 3,000 जीत सकते हैं। अब 2,000, 3,000 भी अगर एक दिन में निकाल रहे हो ना, तो जोड़ लो महीना में कितना होता है, 1 लाख 1.5 लाख महीना, ठीक है, कम नहीं होता हो, बस निकालने वाला चाहिए। अब यहाँ पर भाई पंजाब की बात आ गई, ठीक है, कैप्टनसी शिखर धवन करते आएंगे, ओके, और यहाँ पर जितेश आपको कीपरिंग करते हुए दिखाई देंगे इसमें। ठीक ना, अब अगर बात करें इसमें देख सकते हैं, तो भाई हम शिखर धवन की बात कर लेते हैं, शिखर धवन LHB बैट्समैन है, एक मैच है 40 रन 40 का एवरेज हेड टू हेड में, अरे यार लाल लाल करना पड़ेगा यार, अब सही है हरा, सॉरी लाल नहीं हरा करना पड़ेगा, लाल लाल तो मजा नहीं आ रहा था। अब हेड टू हेड में भाई 22 मैच खेले हैं, रन है 576 है, एवरेज 28.80 का रहता है, कम एवरेज है, हाँ इससे अच्छा अच्छा दिखाएं आपको। ठीक है, विनर पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट अगर परफॉर्मेंस का देखें तो 40, 37, 39, 19 और 21 रन मारे हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर हाँ मेरा दुश्मनी है इनसे, ठीक है, इसलिए हम इनको अपने GLPL पे किसी में नहीं पिक करने वाले हैं, बाकी आप यहाँ इनके रिकॉर्ड देख करके अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हो नहीं भी कर सकते। ठीक है, ठीक है ना भाई, एवरेज मगर कम है देख लीजिएगा, 28 का एवरेज है सिर्फ बस, ठीक है ना, हम तो नहीं करने वाले, जो बात है क्लियर भाई, क्योंकि मेरे को बहुत मैच हरवाए, एक एक प्लेयर से मेरे को हाथ हरवा दिया मैच, इसलिए एकदम दिल से उतर गए भाई, हालांकि प्लेयर गुड, ठीक है, मैच में देखते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भी मतलब पसंदीदा कह सकते हैं, मगर GL में नहीं, फैंटेसी टीम में नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पी सिंह की। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक मैच है 23 रन है और 23 का एवरेज है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है और विनर पे भी कुछ भी नहीं है भाई, रिसेंट में क्या है 23, 8, 4, 64, 80 यहाँ पर दो अच्छा है, यहाँ पर कम हो गया, इसका मतलब प्लेयर में क्या है, इसका मतलब क्या है प्लेयर में भाई, इसका मतलब प्लेयर में दम है, 64 और 80 जब ठोक ठाक दिया है तो प्लेयर में दम है, मगर अभी भले से यहाँ पर नहीं चल पा रहा है तो हम इसके मुश्किल समय में साथ देंगे, हम इसको GL में लेकर चलेंगे। ठीक है ना, कंफर्म, चलिए आगे अगर बात करें, यो देखो भाई जब ये इतना 80-64 बना सकता है, यहाँ 4 ओवर 23 पे आउट हो रहा है, तो ये कम बैक करने का बिल्कुल सोचेगा, ठीक है याद रखिएगा, इसलिए लेके चलेंगे हम। अब यहाँ पर बात करें भानुका राजपक्षा की, तो देख सकते हैं एक मैच 50 रन मारा था, ठीक है, एवरेज 50 का ही, हेड टू हेड में एक मैच खेले हैं, 27 रन है और 27 एवरेज है, वेन्यू की बात करें कुछ भी नहीं खेले, रिसेंट परफॉर्मेंस 50 है और 25 नबाद है, 41, 24 और 1, ठीक है, तो GL में इनका मतलब अभी फिलहाल परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, तो GL के लिए हम ट्राई कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, जितेश शर्मा की बात करें तो एक मैच है 21 रन है और 21 का एवरेज है, हेड टू हेड में भाई कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट में क्या है 21, 46, 15, 14, 13, देख सकते इधर में नहीं था कुछ, मगर यहाँ पर थोड़ा चले, यहाँ पर फिर ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो मतलब कभी खुशी कभी गम, ठीक है, आप भी अगर लेके जाना चाहते हैं इनको तो कभी खुशी कभी गम आपको मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, मर्जी आपके ऊपर है, लेके जाइए चाहे ना ले जाए, लेके जाइए, मगर मैं नहीं लेके जा रहा इनको, क्योंकि कभी खुशी कभी गम मजा नहीं आता, अगर लेके जाएंगे भी हम दिखाई देंगे भी हो तो किसी एक टीम में दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद सिकंदर राजा, क्या बात है भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं। ठीक है, एक मैच है 16 रन है, एक विकेट भी साथ में है, ठीक है, 16 रन में मान लीजिए 16 पॉइंट, ओके, एक विकेट में मान लीजिए 25 पॉइंट,
तो 6 5 11 और 2 2 1 3, अरे 2 1 3 1 4, हाँ साला जोड़ घटाओ ही भुला के कह रहे ठीक है। तो ये 41 पॉइंट आपको देते हुए दिखाई दे दिए इस मैच में जो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है अगला मैच में 2 विकेट ले रहे जिसका मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ठीक है। तो सिकंदर राजा जीएल के लिए पिक होंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पर फिर भी दिखाता हूँ, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, विन्नू पे कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस 16 पे 1 है 1 है, यहाँ पर 23 है 1 और 1 पे 0 है, मगर हाँ लेके चलेंगे हम। पता ना मेरा दिल कर रहा है कि ये चलेगा इसलिए मैं लेके चलूंगा। मैं स्टेटस वगैरह इसका मैं कुछ नहीं अभी देख रहा हूँ ठीक है, लेकर के मैं मगर चलूंगा सिकंदर राजा, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी है ये, मैं देखा हूँ इसको ओके। अब यहाँ पर बात करें शाहरुख खान, वह झूमे जो पठान आ गए भैया, देख सकते हैं यहाँ पर रन जो है 11 नाबाद हो भी ठीक है। पठान हर जगह नाबाद ही रहते हैं क्या, यहाँ पर भी नाबाद ठीक है। हेड यहाँ पर एवरेज में कुछ भी नहीं है, हेड टू हेड में 1 मैच है 6 रन नाबाद है। अरे भाई ये क्या हम देखने को मिल रहा है, ये पठान कैसा पठान है भाई अरे शाहरुख खान साहब बस यहाँ भी नाबाद 11 ठीक है, 1 मैच खेले हैं सीजन में और हेड टू हेड में भी 1 मैच खेले, यहाँ भी 6 रन जरूर मगर नाबाद ठीक है। एवरेज में कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसीलिए क्योंकि नाबाद रहे हैं। अब वेनो की बात करें, यहाँ कुछ भी नहीं खेले, रिसेंट परफॉर्मेंस 11 नाबाद है, 9 है 5 है और 1 है, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं खेले, मगर यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस फेल है भाई। पठान बस 2 जगह मेरे को अच्छा लगा देखने में, 3री जगह पठान मेरा फेल हो गया भाई ठीक है। पठान को हम यहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं, डिफरेंशियल में रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए रिस्क पे लेके चलना है एक प्लेयर तो इसको लेकर के हम जा सकते हैं ठीक है, क्योंकि पठान कब कम बैक कर दे कोई पता नहीं है ठीक है। अब सैम करन की बात करें तो रन 1 है, क्योंकि ये सब पे भाई बहुत कम वो होता है ठीक है, जो होते हैं ना लोग लेते हैं सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। अब कौन खिलाड़ी कब बैकअप कर दे कोई पता नहीं, क्योंकि ये भी कुछ खेल के ही यहाँ पहुंचा है ठीक है ना, ऐसे ही नहीं पहुंचा है कि हमारे जैसे उठ करके गली में खेलने वहां पहुंच गया, नहीं किया उतना मेहनत तब पहुंचा हुआ ठीक है। कब फॉर्म वापस आ जाए कोई पता नहीं होता भाई। सैम करन की बात करें तो रन है 26, विकेट 1 लिए हैं हेड टू हेड में, तो भाई यहाँ पर मैच खेले हैं 5 52 रन है, विकेट 7 है और यहाँ पर वेन्यू पे कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 26 नबाद पे 1 है, अच्छा मिल गया पॉइंट जितना मिलना चाहिए था, 50 के करीब में मिल गया, क्या चाहिए अब ठीक है। 4 पे 0 है 12 पे 1 है 6 पे 0 है 2 पे 1 है दोस्तों बिल्कुल। सैम करन को आप जीएल और एसएल दोनों पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं तो बैटिंग से आपको कुछ 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट दे जाते हैं ठीक है। अब नेथन इल्स की बात करते हैं, 1 विकेट 1 विकेट और 9 इकोनॉमी है दोस्तों इनका ठीक है, 1 मैच में मतलब 1 विकेट 2 ओवर में मैंने बोल दिया, 1 विकेट यहाँ पर 1 मैच में ठीक है। हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, विन्नो पे कुछ भी नहीं है और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या था 1 2 1 1 0 यहाँ पर है, बाकी 1 2 1 1 2 चल रहा है बिल्कुल लेके चाहे चलेंगे दोस्तों। 1 2 1 2 कम से कम मिल तो रहा है 25 30 पॉइंट ना, खाली तो नहीं जा रहा ना। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर आपको नामी नामी मिलेंगे जिसका 80 90% सिलेक्शन साला 4 पॉइंट देकर चला गया, मूड खराब हो जाता है इसमें। ये लोग ठीक है कम परसेंटेज भी है सिलेक्शन लेके चलो साले को, जीएल तो है रिस्क तो है, ये पूरा कदम कदम पर रिस्क है आधा पॉइंट से 1 करोड़ या 2 करोड़ जो ही प्राइज होता है आप नहीं जीत सकते, आप दूसरे नंबर पे आ जाओ, आधा पॉइंट 1 पॉइंट की बात अलग है ठीक है। राहुल चहर की बात करें तो मैच 1 है और विकेट 1 है, इकोनॉमी 6 है और हेड टू हेड में 6 मैच है, विकेट 7 है और इकोनॉमी 9 है। वेन्यू की बात करें तो कुछ नहीं है यहाँ पर ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट यहाँ पर 0 साला, जितना खतरनाक बॉलर देख रहे सबको यहाँ पर 5वां में 0 बाकी 1 2 1 2 1 2 लेके चल रहा है ठीक है। चेहर को भी आप जीएल के ट्राई करो ठीक ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हरप्रीत की ठीक है, तो हरप्रीत बरार की बात करते हैं, 1 मैच है 0 विकेट है 7 इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 1 मैच खेले, विकेट 1 लेगा 5.67 का इकोनॉमी है, वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ना मजा नहीं है यार। हाँ एक आध विकेट मिल गया अब कुछ पिच करके तो बात ही अलग है, मगर मजा नहीं है अभी ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़े यहाँ पर अर्शदीप सिंह, अरे पंजाबी मुंडा फाड़ के रख दिया रे बाबा, देख सकते हैं यहाँ पर भाई 1 मैच है विकेट 3 है, क्या बात है भाई, इकोनॉमी 6.33 का है और हेड टू हेड है 5 मैच है विकेट 12 है ना कमाल का इकोनॉमी 9.11 हालांकि इकोनॉमी बढ़ा हुआ, रन थोड़ा सा खर्चा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है साला, लड़का अगर कहते हैं ना 10 में पास हो गया ना, आप चाहे नकल करके करे चाहे कुछ कर पास कर, रिजल्ट हाथों में आ गया बस लड़का हमारे पास है, गाँव से शान से घूमेंगे मोहल्ला गाँव में है ना। तो यही चीज यहाँ पर भले इकोनॉमी थोड़ा बढ़ा है मगर ये भी दिख रहा है कि 5 में 12 विकेट हो गया काम खत्म ठीक है। वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 3 2 2 1 3 कहीं गैप दिख रहा का कहीं नहीं, इसलिए बोला 12 पंजाबी मुड्डो क्या बहुत है भाई, जीएल के लिए ले जाओ ठीक है। चलिए भाई अगला पे अगर बात करें, ओ सरक जा भाई बेंच प्लेयर ठीक है,
ये देख सकते हैं बेंच प्रेस आपके सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे अगर बात करें स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर इसमें कौन करने वाला है, देख सकते हैं अर्शदीप सिंह मेरा पंजाबी मुद्दा करेगा, सैम करन जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला प्लेयर, और राहुल चहर स्टार्ट करते दिखाई देंगे आपको, ठीक है। क्या है स्टार्ट करते दिखाई देंगे ये, मतलब चार 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 ओवर फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नथन एल्स, सैम करन, अर्शदीप सिंह ये आपको डेथ करते देंगे, मतलब स्टार्टिंग और लास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नथन एल्स का भी चार, मतलब 416 ओवर इन लोगों को मिल गया, बाकी बाकी कौन करेगा, चार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अबरार उबरार जितना नाम लिए सबका वो सब लेके जाएगा, ठीक है। अब एक आध ओवर मिल गया विकेट तो दो तीन ओवर कप्तान डलवाद है, मगर फिक्स अभी यही लोग हैं, ओके। चलो आगे बात करी, ये देखो भाई प्लेयर बैटल, देखो भैया प्लेयर बैटल, देखो भैया यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट शिखर धवन को कितना बार का करता है, देखा ट्रेंट बोल्ट क्या 81 बॉल पे 102 रन दे देते हैं मगर दो बार आउट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है अश्विन 97 बॉल पे 85 रन दिए और चार बार आउट किए इनको, ठीक है। मतलब ट्रेंट बोल्ट से अच्छा यहाँ पर अश्विन का रिकॉर्ड है शिखर के मामले में, अगर शिखर को आप ले रहे हैं तो उधर में अश्विन को ध्यान दे दीजिएगा, अश्विन कभी भी टोक सकता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चहल की बात करें, देखिए अगर शिखर को ले रहे हैं तो अश्विन को मत लीजिएगा, क्या है अश्विन को मत लीजिएगा वहां, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा, शिखर आपका अगर आउट होगा यहाँ पर विकेट अगर ये गिरता है तो अश्विन को मिलेगा पॉइंट, तो क्या मतलब यहाँ का पॉइंट आपका लॉस करके यहाँ ले क्या फायदा। आप जब रिस्क शिखर पे ले ही रहे हो कि नहीं अश्विन है टीम में फिर भी अश्विन विकेट नहीं ले सकता इसका, तो आप सिर्फ शिखर को लेके जाओ, अरे शिखर को अगर छोड़ रहे हो आप तो अश्विन को लेके जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेयर बैटल, ठीक है। अब यहाँ पर चहल की बात करें 64-73 रन और तीन बार आउट कर दिए, ठीक ना। काफी मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये लोग जो कि इनको आउट कर रहे हैं, इसलिए मेरे को भी नहीं जाया जाता है, पता ना क्यों मूड खराब हो जाता है कभी कभी। सिकंदर रजा ट्रेंट बोल्ट को देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रेंट बोल्ट जो है 7 बॉल फेंक करके 2 रन देके एक बार में इनको चलता कर दो, ठीक है, एक विकेट ले चुके हैं। अब यहाँ पर भनुका की बात करें तो चहल 11 बॉल 16 रन दे करके एक विकेट ले चुके हैं, ठीक है। सैम करन की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट जो है 7 बॉल फेंक करके 13 रन दे करके एक विकेट लेके चले जाते हैं, ठीक है, ट्रेंट बोल्ट सैम करन का। अब चलिए अपना प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे जहां से अच्छा टेलीग्राम हमारा, क्यों, क्योंकि सारे काम यहाँ पर फ्री होती है अपने भाइयों के लिए, जो भी चीज होती है दिल से होती है और फ्री होती है, ठीक है। तो इसलिए फटाफट जाइए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट फटाफट टपटप टपटप कोई देरी नहीं करेगा, ठीक है, जल्दी क्या करना, देखिए यहाँ पर लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भाई, फट से कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। अगर जीतने की उम्मीद है तब कुछ सीख करके, हवाबाजी से नहीं करता मैं कि भाई मैं टीम दूंगा आप कॉपी करके जीत जाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हम बहुत चीज टेलीग्राम पे भी सिखाते हैं, ठीक ना, इसलिए जाकर वहां से ज्वाइन हो जाए, बाकी टीम तो हम देंगे ही। मैं ये चीज बोलूंगा यार टीम जो देता है उसमें थोड़ा सा एक खिलाड़ी चेंज कर लिया या सीबीसी, हालांकि मैं तो अभी सीबीसी देना ही बंद कर दिया हूँ, सिर्फ प्लेयर देता हूँ निकाल के उतना, बस जो भी टीम होती है निकाल के देता हूँ, सीबीसी आपकी मर्जी, ऐसा सही रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कॉपी करते मूड खराब करते हैं, ये है हमारा 2 करोड़ का टीम देख सकते हैं, ठीक है। अभी भाई मजाक है क्योंकि अभी पॉसिबल में बनाया गया, ठीक ना, जब फिक्स हो गए जब कब जब लाइनअप आउट होगा तब, टॉस के बाद, टॉस का अपडेट भी हम आपको टेलीग्राम पे करेंगे, बाकी अभी के लिए इस टीम का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, उसके बाद फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम पे टॉस के बाद, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अभी के लिए कहाँ कहाँ, पहले स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेने देंगे, पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद ले लीजिएगा। बटलर बटरफ्लाई, ओके, भनुका राजपक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं शिखर धवन, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं टीम से निकाल दूंगा, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकल अगर खेलने आते हैं तब सब तो बेंच पे बैठे हुए, यार इसको कब ले आता है कोई पता नहीं होता इसमें, ठीक ना। अब यहाँ पर मेयर की बात कर सकते हैं, ठीक है, मेयर मेयर को मैंने रखा हुआ, अच्छा खेलते हैं अभी। और यहाँ पर अश्विन रजा करण, ओके, और ए सिंह चहल और ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, मतलब अर्शदीप सिंह ए सिंह के मतलब, ये हमारी टीम अभी शामिल है। और अभी के लिए हमने आपके लिए रखा हुआ किसको, कैप्टेंसी शिखर धवन के लिए और करण को, हालांकि मेरे टीम में शिखर धवन नहीं रहेंगे, ठीक ना, आप इनको रखिए। अगर शिखर धवन कोई कंफर्म भी कर देगा ना कि नहीं बस शिखर धवन ही कल का मैच जिताएगा सिर्फ, आप उसको रख लो, एकदम 100% है, फिर भी हम नहीं लेके जाएंगे। ये अपना मतलब वो होता है ना लक्ष्य जिसको बोलते हैं निशाना, जो सोच लिया सोच लिया, ठान लिया ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई 2 करोड़ रुपया लाके हमको हाथ में दे देगा इसे ना, शिखर धवन को ले फिर भी नहीं लेके जाएंगे। ये है अपना ठान, जिसको बोलते हैं क्या, हम अपना भाषा में बोलते हैं सनक, ये मेरे अंदर सनक रहता है भाई हमेशा, ठीक है, जिससे दिल एक बार टूट गया सो
टूट गया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, एक क्लाक, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया गया होगा। ठीक है, चलिए फिर अपना वीडियो कहीं रखते हैं भाई। वीडियो अगर पसंद आया, बहुत मजा पाने, फुल एंजॉय किया, अच्छा लगा आपके साथ वीडियो बना के मेरे को यार। ठीक है, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इसी टाइप से अच्छे से बातें को समझने के लिए। ठीक है, आसान भाषा में जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होना, ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले हम। ठीक है, क्योंकि आता ही नहीं है, जो बातें क्लियर बहुत कम से आता है वही थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर, टेलीग्राम को ना बोलिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो भी अपडेट होंगे उसी के हिसाब से आप टीम बना पाएंगे, ऐसे सही टीमें नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम जो बताएं उसके हिसाब से अपडेट करेंगे आपको, कैसे कैसे क्या होने उसमें करना है आपको। ठीक है, और बल्लेबाजी का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, उसको भी जाकर डाउनलोड कीजिए। अगर जीतना है तब, जीत के कुछ करना है तब, 1 करोड़ का सपना देख रहे हैं, ठीक है, देखिए मेहनत कीजिए उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, वो आज नहीं तो कल पूरा होगा, क्योंकि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, मगर एक स्टेप चढ़ने के लिए आपके पास वो पावर पैरों में होनी चाहिए कि हम एक स्टेप चढ़ पाएं। अगर पैर में पावर नहीं रहेगा तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। उसके लिए क्या है, ये पावर देता है बल्लेबाजी, आपको पैसा देती है जीतने के लिए, बहुत चांसेस है इसमें, बहुत तरीके हैं दोस्तों, आप एक बार आइए डाउनलोड कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बाकी जो कुछ का प्रॉब्लम आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कीजिए, उसका हम रिप्लाई 1-to-1 देंगे। बाकी मगर कहीं पैसे नहीं देना है किसी भी चीज़ के लिए, हमारे नाम पर टीम के लिए, चाहे कुछ भी के लिए। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं आपसे इजाजत, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।